है कि नीचे स्तर पर एकदम ग्रामीण स्तर पर पार्टी के नेतृत्व को तैयार करना, और हम लोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने महाधिवेशन में लक्ष्य लिया था कि सभी गांवों में पार्टी के एक महिला और पुरुष पिलर मेंबर के रूप में काम करेंगे। रांची ने यह काम को पूरा किया और सभी पदाधिकारी आज यहाँ मंच में दिखे, उनका वोट हुआ और आने वाले विधानसभा और लोकसभा की तैयारी में सबको लगने का आह्वान किया गया है। अच्छा, आप लोग हर एक, आपने कहा कि सभी कोई लीडर होंगे और हर कोई को प्रतिनिधि करना है, इसमें क्या मतलब, क्या तात्पर्य? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आशा में रहते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है या फिर कुछ इस तरह की बातें। केवल चुनाव लड़ने वाला ही लीडर हो या बेहतर मार्गदर्शक होगा, ये संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती कि इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, लोग प्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, सरकारों का गठन हो रहा है, बावजूद लोगों की जो भावनाएं हैं उसका अपमान हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। क्योंकि उसके लिए ज़्यादा जरूरी होता है कि विषयों को जानना, कि विषय से कितना वो अपने को लगाव रखते हैं, राज्य और देश के प्रति उनका कितना प्रेम है, लोगों के काम के लिए कितनी रुचि रखते हैं, ये बहुत देखना है। और उसका पृष्ठभूमि भी देखना पड़ता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है। आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और वो कभी कभी ना लोग किसी दूसरे के लिए काम करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, सीटों को लेकर के कुछ समझौता हो गया क्या? क्योंकि आपने अभी जो भाषण दिया था कि हटिया को लेकर के कहा, खिजरी को लेकर के कहा, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी का ही दावा होता है। रांची जिला के अंदर जिस लोकसभा में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमारा सरायकेला जिला भी आ जाता है। तो हम लोग ने 6 विधानसभा की बात की, 6 विधानसभा में पार्टी मजबूत रहेगी तो पार्टी बेहतर साथ देगी ना, इसलिए पार्टी का मजबूत रहना ज़्यादा जरूरी है। आने वाले समय में विधानसभा में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे वो बैठ के तय होगा। सर, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इससे आज गांव के छोटे छोटे कस्बों में कितनी मजबूत हो? ये पार्टी कस्बों से आई है, रांची ग्रामीण क्षेत्र में 15 साल से प्रतिनिधित्व गांव का तो करते आई है, अब उसी को और बेहतर और मजबूत और उसमें लीडरशिप का भाव भरने की तैयारी चल रही है। सर, जेपीएससी की परीक्षा अभी चल रही है और उससे पहले ही बहुत जगह से गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। मैंने बोला कि राज्य की संपदा से लेकर ये छात्रों का भविष्य को भी ये कहीं ना कहीं दांव में लगा दे रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं जिस पर अंकुश नहीं है गवर्नमेंट का। पिछले बार भी आपने देखा जो विधानसभा में मैंने वर्तमान जो नए मुख्यमंत्री हैं इनके सामने और नए मुख्यमंत्री का पहला आश्वासन आया, आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर ये ट्रेंड चलेगा तो ऐसी घटनाएं रोज घटेंगी। गैर जवाबदेह शासन, गैर जवाबदेह नेतृत्व का परिणाम यही देखने को मिलेगा। आज अंधकार भविष्य है यहाँ के नौजवानों का और उसी अंधकार में लोग कोशिश किए जा रहे हैं। अच्छा सर, गिरिडीह लोकसभा में आप लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या जयराम महतो का कोई चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? मेरी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, बहुत लोगों की इच्छा चुनाव में रहती है तो लोग चुनाव में आएंगे। किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के साथ हमारा ये संघर्ष या उसके साथ मेरा कोई कॉम्पिटिशन होने वाला नहीं है। वहाँ मूलतः तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विपक्ष का दल है, कांग्रेस है, ये लोग आएंगे। जब आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ, चूँकि पिछली बार भी रहे दिवंगत जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो हमारे साथ स्पर्धा में थे, तो लोग आएंगे। लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी जीत हम लोग हासिल करेंगे। तो गिरिडीह में इस बार की तैयारी है? बिल्कुल।